इन सब गानों में एक चीज कॉमन है और वो है पामेला चोपड़ा की आवाज। जी हाँ, वही पामेला चोपड़ा जिन्हें ज्यादातर लोग उन्हें यश चोपड़ा की पत्नी और आदित्य चोपड़ा और उदय चोपड़ा की माँ और रानी मुखर्जी की सास के तौर पे जानती है। लेकिन पामेला चोपड़ा की शख्सियत और टैलेंट एक निर्माता के साथ साथ एक प्लेबैक सिंगर और एक फिल्म राइटर के तौर पे भी रही है। आज हम इस वीडियो में आपको पामेला चोपड़ा से जुड़ी कुछ ऐसी बातें बताएंगे जिसे शायद आप नहीं जानते। साथ ही यश चोपड़ा साहब और पामेला चोपड़ा की उस पहली मुलाकात का भी जिक्र करेंगे जब यश चोपड़ा साहब ने कहा था कि तुमसे मिलने के बाद मेरे दिल की घंटी नहीं बजी। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, घंटी वाले बटन को प्रेस कीजिए और चैनल के इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को भी लाइक कीजिए। मशहूर फिल्म मेकर यश चोपड़ा की पत्नी पामेला चोपड़ा का हाल ही में निधन हो गया। 85 साल की उम्र में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। पामेला चोपड़ा वो शख्स थी जिन्होंने अपने पति यश चोपड़ा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर फिल्म और प्रोडक्शन का सारा काम संभाला, मगर क्रेडिट के नाम पर कभी कुछ नहीं चाहा। यहाँ तक कि आज भी ज्यादातर लोग उनके असली टैलेंट को नहीं जानते। फिल्म दिल तो पागल है में पामेला चोपड़ा ने एक को राइटर के रूप में काम किया था, तो वहीं फिल्म चांदनी में एक गाने में मैं ससुराल नहीं जाऊंगी में पामेला चोपड़ा ने अपनी आवाज दी थी। इसके अलावा फिल्म नूरी, सिलसिला और त्रिशूल जैसी सभी फिल्मों में भी उन्होंने प्लेबैक सिंगिंग की। इतना ही नहीं, फिल्म कभी कभी की कहानी भी पामेला चोपड़ा जी ने ही लिखी थी और रेखा, अमिताभ और जया बच्चन ने स्टारर फिल्म सिलसिला में उन्होंने कॉस्ट्यूम भी डिजाइन किया था। पामेला चोपड़ा और यश चोपड़ा साहब की शादी साल 1970 में हुई थी। इन दोनों की पहली मुलाकात क्रिकेट मैच के दौरान हुई जहां पामेला अपनी बहनों के साथ मैच देखने आई थी और यश चोपड़ा भी मैच देखने पहुंचे थे। हालांकि इन दोनों के बीच पहले ही पारिवारिक दोस्ती थी। जब यश चोपड़ा के परिवार ने पूछा कि पामेला तुम्हें कैसी लगी, तो यश चोपड़ा ने कहा था कि उसे देख के मेरे दिल की घंटी नहीं बजी, तो वहीं पामेला ने भी यश चोपड़ा को सिर्फ ठीक ठाक शख्स ही बताया था। लेकिन वक्त के साथ दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे और इनकी पसंद शादी में बदल गई। साल 2012 में यश चोपड़ा साहब का डेंगू की वजह से निधन हो गया, जिसके बाद यशराज बैनर का कमान पामेला चोपड़ा ने संभाल लिया। पामेला चोपड़ा ने अपने बेटे आदित्य चोपड़ा के साथ प्रोडक्शन की सारी जिम्मेदारी निभाई। पामेला लंबे वक्त से निमोनिया से पीड़ित थी और 15 दिनों से मुंबई की लीलावती अस्पताल में वेंटिलेटर पे भर्ती थी, जिसके बाद उन्होंने इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। पामेला चोपड़ा के निधन पे पूरा बॉलीवुड सदमे में है। सभी सितारे चोपड़ा हाउस उनके अंतिम दर्शन करने पहुंचे, लेकिन वहां कुछ ऐसा भी हुआ जो अमूमन देखने को नहीं मिलता, जिसे देख के हर किसी की आंखें फटी की फटी रह गई। उसका जिक्र हमने अपनी अगली वीडियो पे किया है, आप आई बटन को प्रेस करके उस वीडियो के बारे में जान सकते हैं। साथ ही पामेला चोपड़ा की जिंदगी के बारे में जानकर आपको कैसा लगा, आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।